और ऑफ कोर्स मेरा ओपिनियन बायस्ड हो सकता है क्योंकि वो मेरे दोनों दोस्त हैं। तो दोस्तों निमरित अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आई थी, जहां उन्होंने अपने ऑडियंस से, अपने फैंस से रिक्वेस्ट की है कि बिग बॉस का विनर शिव ठाकरे या फिर एमसी स्टैन, दो में से ही एक बनना चाहिए, क्योंकि ये दोनों उनके बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड है और वो इन दोनों में से ही किसी एक को बिग बॉस की ट्रॉफी लेते हुए देखना चाहती हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आप सबसे पहले निमरित को वीडियो क्लिप देख लीजिए। प्लीज अगर आप चाहते हो कि रियल लोग इस ट्रॉफी को उठाएं, तो प्लीज़ मेरे दोनों दोस्तों को शिव और स्टैन दोनों के लिए प्लीज़ ढेर सारे वोट्स करिए। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि नाउ दैट यू नो लाइक आई एम नॉट देयर, बट आई रियली 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 वांट कि मेरे दोनों दोस्तों में से कोई एक इस ट्रॉफी को घर लेकर जाए, बिकॉज रियल पीपल जेन्युइनली डिजर्व टू विन। और एक रियलिटी शो में एक रियल साइड दिखना लोगों का बहुत जरूरी है। सो प्लीज, और ऑफ कोर्स मेरा ओपिनियन बायस्ड हो सकता है क्योंकि वो मेरे दोनों दोस्त हैं और मैं उन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, तो प्लीज आप लोग शिव और स्टैन दोनों को ढेर सारे वोट्स भेजिए। एक्चुअली आई नो वोटिंग पोल में एमसी और शिव अभी टॉप पे चल रहे हैं, और हमें इसी चीज को इसी तरह खूब सारे वोट्स कर हमें यही चीज इंश्योर करनी है कि दोनों मेरे दोस्त, जैसा कि मैं बोल के आई थी घर के अंदर, कि आई रियली वांट देम टू बी देयर ऑन द स्टेज एट द एंड। तो दोस्तों आपके इस बारे में क्या है कहना, हमें अपनी राय कमेंट पर दें, और साथ ही साथ ऐसे न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।